शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, उस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, उस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो
God, we want to thank you, O God, for this beautiful morning. Lord, we want to come before your throne, O God, to worship you and exalt your name. Lord, for there is none like you, O God. Our God, you are a greater God. Our God, you are a stronger God. Lord, you are a God who turned the wine, water into wine, God. Lord, you are the same God who turn our sorrow into mocking God. God, you are a God who will, Lord, turn our problems, O God, into a solution, Father. You are a God who loves us more than anything else. Father, this morning, God, we want to thank you for everything that you do in our life, O God. For there is none like you, O God. You are a rock. You are the rock of my stand. You are the solutions to every problem of God. God, I want to thank you for this beautiful morning, God. Just want to thank you, God. के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी
कहता है उठ जा यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा रफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चलता। बढ़ती
Father, we want to thank you, O God, for this beautiful morning. Thank you for the cross, O God. Thank you, Lord, that you paid all the price. Thank you, Lord, for bearing all my sins and sins. Lord, I thank you for giving me a new life. We want to thank you, O God, for the nail pierced, O God. Thank you, Lord, for every drop of your blood, O God. We want to thank you, God, for this beautiful morning. Thank you, Lord, for your sacrifice. Father, we want to thank you for this beautiful morning, O God. Thank you, Lord, for every good things that you do in our life. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के समय हमारी प्रार्थना हमारी आराधना सुनने के लिए धन्यवाद सारा आदर और सारा महिमा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं यीशु मसीहा के नामों से मांगते हैं प्रभु आमेन 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 गुड मॉर्निंग कलीसिया सुप्रभात परमेश्वर आप सबको आशीष करे और सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप आराधना के समय में अच्छा आराधना का आनंद उठाया है परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और जैसे कि हमें आराधना का टीम का भी धन्यवाद करता हूँ हमें अच्छी तरह यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए हमें उस आराधना के भवन में लेकर गए और उसका आप अधिक आनंद उठाया ऐसी आशा करता हूँ जैसे कि हम सब जानते हैं 75वां साल हम हमारा आज़ादी का मना रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है हम आज़ादी के बाद में आज 75 साल तक पहुंच गए हैं लेकिन हमें एक बात जान लेना है 2000 साल के पहले यीशु मसीह हमें आत्मिक में आज़ादी दिया है और आज हम 75वां साल खुशी से मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह तब से आज तक आप और हमारे साथ में था हाय दोस्तों हमारे जो फेथ कम्युनिटी चर्च जो है अलग अलग पद के ऊपर हमारे विश्वासियों को अगुवाई करती है ट्रेनिंग देती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए चाहे वो आराधना करनी हो या प्रार्थना करनी हो या बाइबल पढ़नी हो या बाइबल ट्रेनिंग करनी हो या कोई भी आत्मिक या मीडिया में जो भी आप जुड़ सकते हैं आप जुड़कर उसका आनंद उठा सकते हैं लेकिन जैसे हम बात करते हैं हमारी जो सोमवार को जो होती है हमारे अगुओं की ट्रेनिंग्स होती है सोमवार को और उसमें आप जुड़ जाइए और मध्यरात्रि की प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में भी आप आशा करता हूँ कि आप जुड़ रहे हैं उसमें हमारे स्त्रियों की सभा चलाई जाती है और हर स्त्रियों को मैं अगुवाई करना चाहूँगी आप उसमें भी जुड़ जाइए ताकि आप अधिक परमेश्वर में बढ़ने पाए और उसी तरह शुक्रवार को जो होती है 6:30 बजे उपवास प्रार्थना इसी हॉल में होती है बहुत सारे लोग आते हैं और आशा करता हूँ आप ऑफलाइन भी आना चाहेंगे और ऑनलाइन भी आना चाहेंगे आप सभी का आमंत्रित करता हूँ मैं आशा करता हूँ इन पूरे हफ्ते भर की आत्मिक आराधनालय में आप जुड़कर परमेश्वर से बहुत ताज से आशीष पा सकते हैं और आपके आत्मिक गगवे हैं उनसे भी आप जुड़कर रह सकते हैं जिस तरह आप सब जानते हैं कि स्तुति आराधना करना एक कितनी अच्छी बात है और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हमारी 10वां अंच हम जब तक उसको नहीं देंगे नहीं चढ़ाएंगे तब तक हमारी स्तुति आराधना जो है वो अधूरी है वो पूरी नहीं और ये समय है परमेश्वर को हमारा 10वां अंच सौंप कर उस स्तुति आराधना का भाग जो है उसके शरण में सौंपना हाँ मेरे प्रियो जिस तरह बैग आपके सामने जा रहा है आई हम सब अपने भेंटों को चढ़ाएं
आशा करता हूँ स्तुति आराधना और परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर आप बहुत अनुभव पाए हैं और आप बेताबले होकर इंतजार कर रहे होंगे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए उत्साहित के साथ में हम ताली बजाकर हमारे पास्टर जी का हार्दिक स्वागत करेंगे कि वो आए और हमें परमेश्वर के वचन में ले जाए। आइए हम सब ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर समय है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना और उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो परमेश्वर की सीख लेकर आगे बढ़ना। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। आज का विषय है कि द डेंजर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग वे फ्रॉम द लॉर्ड। उसका मतलब प्रभु परमेश्वर से दूर जाने के खतरा, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रहना चाहिए। अगर उससे दूर जाना हमेशा हमारे लिए खतरे के समान है। तो व्हाई डू सम पीपल ड्रिपिंग वे फ्रॉम द लॉर्ड एज दे ग्रो एवरी डे इन द लाइफ, प्रश्न उठता है। ये प्रश्न ये है कि क्यों लोग, जैसे उनके जीवन में वो बढ़ोतरी में है, तो परमेश्वर से वो लोग बहकर चले जा रहे हैं या खो जा रहे हैं परमेश्वर से। आज की दुनिया में हम देखते हैं, इर्द गिर्द की अवस्थाओं में कई लोग कई ईसाई परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर की योजना से वो लोग बहकर चले गए हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की इस बातों से बहकर चले गए हैं। कारण कई लोग पाप में जी रहे, कई लोग दुनिया के साथ समझौता में, कई लोग कमजोर समझ के अपने आप को हार मानकर छोड़ देने के विषय में होने के नाते वो लोग परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर की उपस्थिति से बहकर जा रहे हैं और खतरे का सामना कर रहे हैं उनके जीवन में। ये सचमुच सच्चाई है, कई लोग आत्मिक रीति के अवस्थाओं में आज भी खतरे में फंसे हुए हैं। इसलिए शास्त्र कह रहा है, उस शास्त्र के वचन के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। आइए हम सब लोग खोलेंगे हिब्री का 2:1। वी मस्ट पे द मोस्ट केयरफुल अटेंशन देयरफॉर टू व्हाट वी हैव हर्ड सो दैट वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द लॉर्ड। इस कारण चाहिए कि हम उन बात पर जो हमने सुना है और भी मन लगाए, ऐसे न होने के कारण आप बहकर जा सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जो हमने परमेश्वर से सुना है, जो परमेश्वर के वचनों से पाया है, जो सच्चाई को जान लिया है, उस वचन को ध्यान पूर्वक सावधानी बरसते हुए आप उसका ग्रहण कीजिए, नहीं तो आप बह जाएंगे, परमेश्वर कहीं दूर चले जाएंगे। क्योंकि मुझे वो याद आता है जब हमारे पासबान ने एक बार कहा था, अगर हम एक छोटी सी गलती करेंगे जो अपने निर्णय लेने में, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, बहुत ही तकलीफों का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि गलत निर्णय के कारण। उसी तरह से मैंने विज्ञान के विषय में भी पढ़ा था, जब वो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजते हैं, अगर एक इंच भी, एक सूत भी उसमें टेढ़ा है, तो जहां पे उसको पहुंचना है वहां उस लक्ष्य से कोसों मील दूर रॉकेट जा पहुंचेगा। उसका मतलब सचमुच हमारे जीवन में कि जहां पे जिस तरह से हमें होना चाहिए, अगर उस तरह से हम नहीं रहेंगे, तो हम परमेश्वर की योजना से कहीं दूर तक हम जा पहुंचेंगे। जैसा कहा वचन, हम बह जाएंगे। हालेलुया, ये अच्छी बात है। कई लोग शुरुआत बहुत ही अच्छा किया है, परंतु उनका अंत सही नहीं हुआ है। इसलिए शास्त्र में हम देखते हैं तो उसमें से हमें सीख मिलती है, उस सीख को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए हम आज बाइबल से एक चरित्र के ऊपर देखेंगे और वो चरित्र है राजा आसा के विषय में। राजा आसा जो है
20 साल का था और कम उम्र में राजा बन गया था और वो दाऊद के संतान से था और उनकी शुरुआत बहुत ही अच्छी थी। शास्त्र कहता है उन्होंने जो परमेश्वर के नजर में जो सही है वही किया, ऐसा कहता है। आइए जब हम देखते हैं पहला राजा 15:10 में लिखा है, राजा आसा ने सब कुछ परमेश्वर के नजर में या दृष्टिकोण में जो सही है वही किया। और उसी तरह दूसरा इतिहास का 14:15-16 जब हम पढ़ते हैं राजा आसा के विषय में हमें पता चलता है, और राजा आसा ने सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही है वही किया। और इज़राइल में जितने भी मूर्ति पूजा थी वो विचार की बातें थी या गलत जो भी था वो सब कुछ उन्होंने हटाया। उतना ही नहीं उनकी दादी जो अधिकार में थी और वो मूर्ति पूजियों को अन्य देवताओं की पूजा करती उसको भी उन्होंने नीचे उतारा और वो राजा बनकर उन्होंने जो सही है उसका पीछा किया। इसके कारण वो ऐसा कहता है शास्त्र में कि इज़राइल के इर्द गिर्द में शांति छाई हुई थी, समाधान छाया हुआ था, कोई भी तकलीफें दिक्कत नहीं थी। जब आसा राजा ने सब कुछ परमेश्वर के अनुसार किया और 41 साल तक उन्हें राज किया, परंतु उनकी उस राजनीति में वो 35 साल के जब बन गए तो कुछ गलतियों को दोहराया और उन्होंने 29 साल के जो बन गए तभी वो बीमार पड़े। जब वो बीमार पड़े तो परमेश्वर के पास नहीं गए परंतु वो डॉक्टरों के पीछे वैद्यों के पीछे चले गए। इसके कारण उनकी बाद में उसके 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो शास्त्र से इस बात से इस घटना से इस कहानी से इस राजा के जीवन से आपको और मुझे कुछ सीख हमारे जीवन में मिलती है। वो सीख है कि हम परमेश्वर के साथ हर अवस्था में उसके संग संग चलना चाहिए, उसके वचनों में बने रहना चाहिए। जो वचन हमने शुरुआत में पढ़ा हिब्री का 2 अध्याय कि जो भी हमने सुना परमेश्वर का वचन उसमें बने रहना चाहिए, नहीं तो हम बह जाएंगे इस दुनिया में। आप और मैं परमेश्वर के वचन में बंधे रहना वही हमें यशस्वी भरा जीवन दे सकता है, नहीं तो वो खतरे से खाली नहीं रहेगा हमारे जीवन में। अगर परमेश्वर से हम दूर रहेंगे, हम बह जाएंगे इस दुनिया के बातों में, तो वहां से निकल के आना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे पाप से, कष्ट से, दुख से, संकट की अवस्था में, जो परेशानी में, अंधकार की दुष्टता में पड़े हैं, वहां से मुंह फेर लो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के सामने आकर झुककर उसके अनुसार बढ़ो। यही उस वचन में हिब्रू का लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें जो सच्चाई मिली है, जो वचन मिला है, जो हमारे लिए उन्होंने पृथ्वी पर आकर क्रूस पे मरकर वो फिर से जी उठा है, उस मरण को विजय पा लिया है, उस बात को आपके जीवन में पालो। इसलिए वो वचन कहता है बहुत सावधानी से उसको सुनो, मानो और उसके अनुसार चलो, नहीं तो आप बह जाएंगे, ये वचन सिखाता है। तो भाइयों बहनों, आज हम देख सकते हैं हमारे काम के व्यस्त में, हमारे बिजनेस व्यापारों के व्यस्तों में हम परमेश्वर से कई लोग दूर और दूर हो रहे हैं। ऐसे होना हमारे लिए खतरा है, ऐसा होना परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो सकते हैं। कई लोग अपने काम में व्यापारों में व्यस्त होने के नाते उनकी प्रार्थना कमजोर हो चुकी है, वो ठंडे पड़ चुके हैं, उनका लक्ष्य परमेश्वर से हटकर दुनिया के और चला चुका है और वो लोग अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करने में हार चुके हैं। इसलिए हम देख रहे इन दिनों में
कि लोग कहीं परमेश्वर से दूर जा रहे, आसानी से वो लोग बह जा रहे। आप और मैं परमेश्वर के और बढ़ना जरूरत है। और कैसे हम देख सकते हैं इस विषय को, क्या हम सचमुच परमेश्वर से बहकर दूर जा रहे दुनिया में, या परमेश्वर में उसकी उपस्थिति में बंधे हुए हम अपने आप को जांच के देख सकते हैं। पहली बात, कैसे हम जांच के देख सकते हैं? वी बिगेन टू पुल अवे फ्रॉम गॉडली इन्फ्लुएंस। अगर दुनियादारी की बातों में और जो परमेश्वर की बात नहीं है, अगर उसमें हम बैक उसके पीछा कर रहे हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर से आस्ते आस्ते थोड़े दूर होते जा रहे हैं। दूसरी बात, वी स्टॉप प्रेइंग एंड वी टू बिजी। मतलब अगर हम प्रार्थना करना छोड़कर अपने कामों में बहुत व्यस्त है, उसका मतलब ये है कि अंतिम दिनों में लोग सभी कार्यों में व्यस्त रहेंगे, परंतु प्रार्थना करने में उनके पास समय नहीं रहेगा। ये जैसा शास्त्र में लिखा है पहला तस्लोनिक 5:17 में, ऐसा ही हो सकता है। बाद में देखते हैं कि लोग अपना लक्ष्य परमेश्वर पर से खो रहे और इस दुनिया के बातों में जा रहे, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है मत्ती का 13 अध्याय में, ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग आराधना करने में भी ठंडे पड़ चुके हैं। जब लोग आराधना करने आते हैं तो परमेश्वर की पूरी सच्चाई से और दिल से आराधना नहीं करते। वो इधर उधर देखने में व्यस्त रहते हैं, अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और कुछ चीज़ों में वो व्यस्त रहते हैं, और वो लोग परमेश्वर की आराधना में ठंडे पड़ चुके हैं। इस आगे की बात में हम देखते हैं कि लोग आत्मिक तरह से कोई भी बात को लोग जांच नहीं लेते, सब कुछ वो लोग भूल चुके हैं। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के अनुसार उसके वचनों में बंधे रहना महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम कर सकते हैं परमेश्वर वचन में बंधे रह सकते हैं? हम जैसे देखिए हिब्रू का 2:1, पे केयरफुली अटेंशन टू स्टे वेयर एंड अलर्ट फ्रॉम ऑल दिस सिनफुल डिजायर। कहने का मतलब आप बहुत सावधानी बरतते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं और हर अवस्था में जो बुरा अवस्था आपके संग आ रहा है, जो उसमें से बचा के रहे, जो बुरा अवस्था आ रहा है उसमें से बच के रहे, क्योंकि सावधानी से रहना महत्वपूर्ण है। शास्त्र हमें सिखाता है पहला पेत्रु का 5वां अध्याय में, आपका दुश्मन शैतान वो मुख्य सिंह की तरह है, जो गरजते हुए सिंह की तरह है, वो ढूंढ रहा है कौन कहां पे गलती करे और उसे मैं खत्म कर दूं। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के साथ बंधे हुए रहना चाहिए, बहुत सावधानी से परखते हुए हर अवस्था में हमें चलना चाहिए। दूसरी बात, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड पुट आर्मर ऑफ गॉड। दूसरी बात, हम कैसे बंधे रह सकते परमेश्वर में? परमेश्वर के शस्त्रों को पहनो, जैसे एफिशियंस का 6 अध्याय में 12 वचन से आगे लिखा है कि परमेश्वर के सभी शस्त्रों को पहनने से आपके दुश्मन जो दुष्टात्मक शक्तियां हैं उनके विरोध पे लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप बिना शस्त्र के पहने हुए उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको और मुझे, अगर हमारे दुश्मन अंधकार की हर शक्तियां, जो लालचपन, हर तरह का जो टेम्पटेशन, हर तरह का परीक्षाएं हैं, उनसे पार होकर अगर हमें आगे आना है, तो आप और मैं क्या करना है? परमेश्वर के शस्त्र को पहनना है।
नहीं तो हम फिर से बह जाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात, हम कैसे परमेश्वर में वचन में बंधे रह सकते हैं? लिसन टू गॉड, मेडिटेट ऑन हिज वर्ड एंड हिज ट्रूथ। परमेश्वर से सुनिए, उसके वचन पे ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यूहन्ना का 8:32 कहता है, आप सच जानते हो, सच बात करो, सच आपको छुटकारा देगा। आगे हम देखते हैं यूहन्ना का 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं सच, मार्ग और जीवन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह में बंधे हुए रहना चाहिए, उसके वचनों में बंधे हुए रहना चाहिए। और चौथी बात, हम कैसे परमेश्वर के वचन में बंधे रहना चाहिए, मैं आपसे कहूंगा, चूज टू स्टे क्लोज टू रिमेन विथ हिम। हमेशा निर्णय करें कि परमेश्वर के संग रहने के लिए, जो दुनिया का तारा, जो दुनिया को बनाने वाला, उसके साथ आप बन के रह सकते हैं। और ऐसे हम करने से परमेश्वर के योजना में सही तरह से रहेंगे, नहीं तो हम बहक जा सकते हैं। कई लोग हम देखते हैं आज भी, उनकी शुरुआत बहुत ही अच्छा है, और कई लोगों ने बहुत ही अच्छा शुरुआत किया, बहुत ही अच्छा तरह से उनका नाम रोशनी काम में, और कई दिन के बाद वो लोगों का नाम निशान मिट गया, क्योंकि उनका बुरा अंत हुआ, कारण वो लोग परमेश्वर के ऊपर से उनका लक्ष्य हट गया, परमेश्वर के वचन से वो भटक गए, परमेश्वर के साथ चलना वो लोग छोड़कर, या उसकी आज्ञाओं में बंधे रहना छोड़कर दुनिया में बहने के कारण उनका अंत बुरा हुआ। वही बड़ा खतरा है हर एक के लिए। हम ईसाई होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, आप और मैं इसको बहुत ही सावधानी से बरकना है, कहीं ना हम बह जाए इस दुनिया अंधकार की शक्तियों में, ये दुनिया जो अंधकार की है उसमें हम बह ना जाए। इसीलिए यीशु मसीह का वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन में देखते हैं, शास्त्र में हम देखते हैं कि हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम बह जाने से बचकर रह सकते हैं। मैं आपसे सचमुच कह रहा हूं, क्यों लोग आज बह कर जा रहे हैं? तो आइए आज मैं आपसे बताता हूं, व्हाट मेक्स अस ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द लॉर्ड। क्या वो बात है परमेश्वर से दूर जाने के लिए कई बार हमें मजबूर करती है? मैं आपसे बताता हूं। पहली बात, आवर डिसओबीडियंस कैन मेक अस ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द लॉर्ड। हमारी अज्ञानपन किया परमेश्वर की आज्ञा पालन न करने के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। उसका मतलब हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम हर अवस्था में परमेश्वर की बातों को आज्ञा के रूप में पालन करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14:4 में, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरी बात को भी मानेंगे। यस, आप और मैं परमेश्वर से प्यार रखते हैं, इसके कारण हम परमेश्वर यीशु मसीह की बात को मानेंगे, उसकी बात को आज्ञा के रूप में हम स्वीकार करेंगे, और हम उसका हमारे जीवन में हमेशा लागू करेंगे उस वचनों को, और उसके अनुसार हम बढ़ेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पालन न करने के कारण हमारी प्रार्थनाओं को कई बार में उत्तर नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है ऐसा का 59:2 में कहता है, हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं,
क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन न करने के कारण परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर में नहीं देता है। तो इसलिए हमें पाप भरी इस दुनिया से मोह मोड़कर परमेश्वर के वचनों की ओर चलना चाहिए, उसकी आज्ञा में हम बने रहना चाहिए। जो हमने सुना परमेश्वर का वचन, उस वचन में बंधे हुए रहना चाहिए। दूसरी बात हो सकती है, अवर सिनफुल डिजायर कैन मेक अस ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम गॉड। हमारी पापी इच्छा परमेश्वर से हमें दूर ले जा सकती है। पहली बात क्या है? परमेश्वर की आज्ञा पालन न करने के कारण हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। दूसरी बात, हमारी पापी इच्छाएं परमेश्वर से हमें दूर ले जा सकती है। हम देखते हैं शास्त्र में उत्पत्ति का 4 अध्याय में कैसे केन और एबल के इस दो भाइयों के बीच में किसकी आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार किया और किसके दिल में खोट था और किसके दिल में सच्चाई थी। अगर पाप भरा हुआ हृदय रहेगा आपके जीवन का, तो वो प्रार्थना, वो आराधना, वो भेंट परमेश्वर कदाचित स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अगर आपके दिल में कुछ अच्छे विचार है, वो अच्छे विचारों को परिपूर्णता में परमेश्वर लाता है। If you have any good heart desire, God is going to fulfill. That's the word of God. वही तो परमेश्वर का शास्त्र कहते हैं। अगर आपके दिल में, आपके विचारों में पाप का है, तो वो कभी कदाचित परिपूर्णता में नहीं आएगा, वो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। तीसरी बात, आवर इनसिक्योरिटी एंड फियर कैन मेक अस ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द लॉर्ड। मतलब हमारे असुरक्षता और भय परमेश्वर के बात से हमें दूर ले जा सकता है। हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, हम अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ना हमारा पैसा हमारी रक्षा कर पाएगा, ना हमारा ज्ञान हमारी रक्षा कर पाएगा, ना हमारे लोकतंत्र या जिसकी नाम रोशनी है, नाम फेम है, बड़ा है, ना कोई वो अपने आप को बचाव नहीं कर पाएगा। अगर कोई बचा सकता है हमें, तो परमेश्वर है। इसीलिए आप और मैं उस परमेश्वर के ऊपर नजर लगाना चाहिए जो शरीर आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, उस बात पे नहीं जो शरीर के नाश करते हैं उनके ऊपर नहीं, और उन लोगों से हमें सुरक्षता नहीं मिल सकती। हमें मिल सकती है सुरक्षता तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह से, परमेश्वर के वचनों से। इसलिए कहता है भजन संहिता में 91 कहता है, क्या कहता है दाऊद राजा? कहता है, प्रभु मैं आपको शरण स्थान के रूप में स्वीकार करता हूं, आप मेरा चट्टान है, आप मेरा ऊंचा गढ़ है जो मुझे संभालता है और मुझे उस पंख के नीचे छुपा लेता है। सचमुच ये वचन हमारे जीवन में ऐसा ही है। जो कोई परमेश्वर को शरण लेता है वही रक्षा पाता है, उसकी ही रक्षा होती है। अगर जो कोई परमेश्वर के वचनों के बाहर होता है, परमेश्वर के वचनों से भय कर जा सकता है, परमेश्वर के अधीन नहीं रहता है, वो परमेश्वर से भय जा सकता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है वो परमेश्वर से दूर हो सकता है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के संपूर्णतः का विश्वास करेंगे और हमारे विश्वास में हम प्रतिदिन खोएंगे नहीं, परंतु हम बढ़ोतरी में आएंगे। इसलिए शास्त्र में सिखा रहा है, ये बहुत आसान है
अवस्थाएं में लोग बह जाना, जैसे हम देखते हैं राजा आसा के जीवन में 38 साल से अच्छा राज को चलाते हुए आ गए। समय आया, 38 साल के कई गलतियों को उन्होंने दोहराया, थोड़ा चिड़चिड़ापन गुस्सापन में कई बातों के विषय में, आजू बाजू के राज के विषय में, और वो बीमार पड़ा। बीमार के बाद वो जो परमेश्वर को उसे ढूंढना चाहिए था, परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए था, प्रभु से वो चंगाई प्राप्त करना चाहिए था, वो छोड़कर उन्होंने डॉक्टरों के पीछे चले गए, वैद्यों के पीछे चले गए। इसके लिए वो उस बीमारी से वो क्या हो गए, मरण पाए। कहीं आज की अवस्था में हमारे जीवन में अगर कोई बीमार है, आत्मिक तरह की, शारीरिक तरह की, मानसिक तरह की, आर्थिक तरह की, जिसी भी तरह की बीमारी में आप पड़े हैं, तो ये समय है आपका परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, परमेश्वर के वचन में बंद कर रहो, परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी बनकर चलते रहो, पाप से मुंह फेर कर परमेश्वर में शरण स्थान ले लो, क्योंकि परमेश्वर ही आपको रक्षा करेगा। परमेश्वर सिर्फ आपको भलाई के रास्ते पे चला सकता और कोई नहीं, नहीं तो आपका अंत बहक जा सकता है, और इसके कारण आप कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, ये बहुत ही खतरनाक है जो ऐसे खतरे हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द में है। अगर हम परमेश्वर वचन में बंधे नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर से खो जा सकते हैं और हम नाश के हो जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें एक बहुत ही सुंदरता से एक वचन कहा मत्ती में, अगर एक मनुष्य पूरे दुनिया को जीत लेता है और अपनी आत्मा को खो लेगा तो क्या लाभ होगा। हालेलुया, क्या कहा यीशु मसीह ने, अगर एक व्यक्ति इस दुनिया को पूरा जीत लेता है और उसकी आत्मा नरक की ओर या नाश की ओर जाती है तो उस मनुष्य को क्या लाभ है। भाइयों बहनों, अभी की अवस्थाओं के ऊपर नजर मत लगाइए, अभी की अवस्था में यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर नजर लगाइए, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार सावधानी से परखते हुए उस वचन को आपके जीवन में लेकर चलिए, ताकि आप परमेश्वर की योजना से बह ना जाए, परमेश्वर की योजना में बंद कर रहे, और परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में चालू की है वो संपूर्णता में वही लाएगा, अगर आप उसे कार्य करने देंगे। किसे? परमेश्वर से कार्य करने आपके जीवन में देंगे, अपने नियंत्रण जीवन का संपूर्ण परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आपकी अवस्था में, आपके कष्ट में, दुख में, सुख में परमेश्वर को ढूंढो, क्योंकि वो ही आपका रक्षक है। हालेलुया, ये सचमुच सचमुच आशीष वाला वचन है हम सभी के लिए। जो बात हम आज राजा आसा उनके जीवन से सीखा है, उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इसके ऊपर मनन करेंगे, ध्यान लगाएंगे कि हम कहीं बह ना जाए परमेश्वर के वचन से, तो हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे, परमेश्वर में बंधे रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो हम बहक जाएंगे, कई तरह का खतरों का सामना करना पड़ेगा, कई तरह की मुश्किलों का सामना पड़ेगा, कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। सो बेहतर है कि परमेश्वर में हम रहकर उसमें आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे पिता के समान है, वो कभी हमें तकलीफों में न ले जाएगा। कल की चिंताएं मत करो, कल का दिन आपके लिए चिंताएं करेगा, यही यीशु मसीह का वादा है। उस वादे के ऊपर अटल रहो, परमेश्वर यीशु मसीह को अपने आप को सौंपो और परमेश्वर से कहो, प्रभु आपके राज में मैं नीतिमान बनकर आपके राज के लिए मैं चलूंगा, आपके वचन के लिए मैं बंधा रहूंगा और हमेशा आपके और बढ़ूंगा।
जब आप ऐसा करने से सब कुछ आपके पीछे चला आएगा, सब कुछ आशीष आपके पीछे चली आएगी। हर अवस्था में परमेश्वर आपको संभालेगा, हर खतरे में परमेश्वर आपके संग रहेगा। हर शैतान का जो खतरा आपके लिए, दुश्मन का खतरा जो भी है, तकलीफ है, उसमें परमेश्वर आपको बचाएगा और परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। आमेन। आइए हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपेंगे और कहेंगे परमेश्वर को, प्रभु मैं जान लिया आपका वचन को, आप ही सत्य है, आपकी सच्चाई को मैं मनाऊंगा मेरे जीवन में, मैं उसके अनुसार चलूंगा। आप ही मार्ग है, आपके मार्ग पे मैं चलूंगा। आप ही जीवन है, उस जीवन को मैं पाने के लिए आपके संग संग चलूंगा। प्रभु मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार कर। यस, अगर आप अपने आप को ऐसा कहेंगे जरूर परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। अगर कहीं आप चूक गए, परमेश्वर से वचन से बह गए, पाप में हैं, अंधकार में हैं, तो आइए हम अपने आप को पश्चाताप करके परमेश्वर में बंधे रहेंगे, ध्यान से प्रभु के ऊपर लक्ष्य लगाते उसके वचन में चलेंगे। आइए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर प्यार गौरव सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको देते हैं, जो इस संसार को बनाने वाले, रचाने वाले, संभालने वाले आप है प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना का, महिमा का ईश्वर योग्य परमेश्वर आप है प्रभु। पिता आज के वचन से हमने सीख लिया है राजा कि आप ही सच है और कोई नहीं प्रभु, आप ही हमारा जीवन है परमेश्वर, आप ही हमारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पे आकर फिर से मरण से जी उठे हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके ऊपर हम भरोसा करते हैं, आपके सच्चाई में हमें चलने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपकी योजना में हमेशा बने रहे और आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़े। प्रभु अंधकार की सारी शक्तियों से लड़ाई करने के लिए हम अपने आप को आपके वचन में बंद कर, पहन कर आपका वचन चलना चाहते, जैसे एफिशिएंस का 6:12 में परमेश्वर आपके वचन कहा है, उसके अनुसार चलने के लिए हमें आपका ज्ञान बुद्धि सामर्थ आपकी जरूरतें, पवित्र आत्मा में मदद कर हर एक को और आपकी सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनने के लिए, और जो भी आज पश्चाताप करके प्रभु आपके चरणों में आए उन सभी को ग्रहण करने के लिए, और आपके स्वर्ग के पाठकों को खोल कर उनके जीवन में बहुताय की आशीष उंडेलने के लिए प्रभु आपको सारा आदर प्यार गौरव देते हैं। और एक बार यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। प्रभु आशीष करे आप सभी को। थैंक यू।